श्योपुर से खबर, जहां पर जिला चिकित्सालय में आईसीयू में एसी बंद होने के चलते भीषण गर्मी में मरीजों का हाल बेहाल बना हुआ है। आईसीयू में गर्मी के चलते मरीज तड़प रहे हैं। स्थिति यह है कि गंभीर रोग के चलते मरीजों को डॉक्टरों के द्वारा आईसीयू में भर्ती कराया जाता है, जहां जिला चिकित्सालय के डॉक्टर और स्टाफ के द्वारा आईसीयू में भर्ती मरीजों को उचित उपचार और देखभाल तो मुहैया कराई जा रही है, लेकिन भीषण गर्मी में बंद एसी के चलते आईसीयू में मरीज तड़प रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य शासन की गाइडलाइन के अनुसार आईसीयू में सेंटर एसी लगाए गए हैं, लेकिन जिले भर में सेंटर एसी को ठीक करने वाला कोई भी टेक्नीशियन नहीं है और यही कारण है कि शुक्रवार शाम से आईसीयू में खराब हुए एसी शनिवार को भी शुरू नहीं किए जा सके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आईसीयू में लगे सेंटर एसी की मरम्मत को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है। ये तो आईसीयू में लगे सेंटर एसी प्रारंभ होने के बाद ही पता लगा जा सकेगा। कारण एसी नहीं चलने का, एसी क्यों नहीं चल रहा है इसमें? नहीं तो ये बता रहे हैं कि कल रात से एसी बंद है। इसलिए एसी बंद है, लेकिन स्थिति देखने में आ रही है कि मरीज सब तड़फ रहे हैं, परेशान हैं। अगर एसी बंद रहेंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? वही चीज़ है ना, स्थिति देखिए आप, मरीज किस तरीके से यहाँ तड़फ रहे हैं आईसीयू में और एसी टोटल कल रात से बंद है, तो ऐसे में कैसे इनके स्वास्थ्य में सुधार हो पाएगा बता सकते हैं? कब से नहीं चल रहा है एसी? मतलब एसी नहीं है आप इसीलिए परेशान हो रहा है एसी के चक्कर में? जिन्होंने बनाया है बुक करें उसको, करवाएं उसको सही कराएं। तो मतलब कल रात से बंदे अभी तक उसके बस में नहीं आ रहा, मतलब एसी सुधारने वाला? एसी सुधारने वाला आया ना, वो देख रहा है, वो कर रहा है जो। अच्छा। कल रात से बंद है तो स्थिति बदतर है, मैं कुछ देखता हूँ। नहीं स्थिति तो स्थिति तो देखो मानवता के नाते स्थिति रिलेटिव होती है। मानवता का धर्म सबका है, ठीक है ना? मानवता का धर्म सबका है, सहयोग करना सबका धर्म है, ठीक है ना? सिर्फ कमी निकाल के किसी दूसरे के सिर पर बढ़ना ये उचित नहीं है। ये जो नहीं ये ही बात है दरअसल, यहाँ अस्पताल में नहीं आपकी बात नहीं कर रहा, सब लोग आते हैं, सहयोग कोई नहीं करता अस्पताल के लिए, ठीक है ना? सुविधाएं सबको चाहिए, ठीक है ना? सुविधाएं असीमित होती हैं, सुविधाएं बहुत हैं, बहुत प्रदान की जा रही है, लेकिन उसका कोई एंड नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें होती है टेक्निकल, वो किसी के हाथ में नहीं होती है, ठीक है ना? सेंट्रल एसी लगा हुआ उसके लिए कई बार हम ऊपर भी अवगत करा चुके हैं, ठीक है ना? यहाँ उसका कोई मैकेनिक नहीं है, कोई उसको ऑपरेट करने वाला नहीं है, बनाया उस दिन से खराब है, मैं सबको बता चुका हूँ। ठीक कराते हैं हम, दो दिन में चार दिन में वो आते हैं ठीक करने के बाद, फिर खराब हो जाता है। हमने टावर एसी लगाया अपने स्तर पे, उसमें 10 पंखे लगाए हैं, वो हमने अपने स्तर से काम किया है, टावर एसी लगा के उससे काम चल रहा है हमारा। अब वो टावर एसी अभी खराब हो गया तो वो ठीक होने में मिस्त्री को बुलवाया, मैकेनिक आ गया, उसने चेक किया, अब वो ठीक कर पाएगा, ठीक हो जाएगा उसमें। तो मतलब पहले उसमें अननेसेसरी एक बात आ रहा हूँ, उसको अननेसेसरी इशू बना के एक दोषारोपण करने की क्या आवश्यकता है भाई? आपका भी काम है, मैं आपसे कहता हूँ चलिए हम पैसा दे देते हैं, आप ठीक करवा दीजिए, कर दीजिए, आप कर सकते हो करवा लीजिए। नहीं कैसे मैं कह रहा हूँ यार, नहीं मुझे मालूम है आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं जो भी है कर रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? मुझे वो सब चीजें ना मैं कह रहा हूँ ना, सहयोग करे ना, सहयोग कौन करता है? कोई नहीं करता सहयोग। मीडिया के तौर पर हमसे जो सहयोग बन पड़ा वो आज तक हमने किया, आपने भी देखा। नहीं मीडिया से मीडिया मीडिया नहीं है, मीडिया वाले भी आदमी है, बिल्कुल ना? ये इंसान जो भी करना है वो सिर्फ मीडिया का काम भी ये नहीं है कि सिर्फ अपने फोटोग्राफ ले लिए, अगर कोई आदमी मर रहा है उसको फोटोग्राफ लेके अपन डाल रहे, पहला काम है उसको बचाने का, बिल्कुल सही बात। बस आपके सामने ये जिम्मेदारी समझे अपन जो अपनी सब, कि हम भी उसमें सहयोग करें, कि हम क्या सहयोग दें। इसीलिए आपसे बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं भाई क्या रीजन रहे, क्या कारण रहे जिसको लेकर के कल रात से खराब एसी अभी तक चालू नहीं हुआ भाई, क्या कारण है? अरे भाई मशीन है, उसने काम करना बंद कर दिया, हमने इन्फॉर्म कर दिया उसको, टेक्नीशियन जो भी है बाजार में जो शोपुर शहर में जो उपलब्ध है वो आया, उसने आके चेक कर लिया, अब वो प्रयास कर रहा है। नहीं अभी सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि उसमें जो विंडो एसी लगे हैं
ऊपर वाले सेंट्रल एसी का यहाँ कोई मैकेनिक नहीं है, कोई ठीक नहीं करता। अपने यहाँ सेंट्रल एसी का कोई मैकेनिक नहीं था, तो क्या ऊपर से ऐसा इंफेक्शन था क्या? भैया मैंने नहीं, मेरे पास में जनरल वार्ड में मेडिसिन के कुल 35 बेड है, ठीक है ना। अभी मरीज 110 तक मरीज हो गए थे, ठीक है ना, अभी भी 60 से मरीज ज्यादा हैं। मैं क्या करूं? नहीं बोलो क्या करूं, उनको सबको रेफर कर दूं या नहीं करूं? आईसीयू के जो भी हम उपचार कर रहे हैं, देखिए सर्दी गर्मी एक अलग चीज है, सर्दी गर्मी लग सकती है आदमी को उपचार, लेकिन उपचार में कोई कमी हो तो बताइए। उपचार मेरे डॉक्टर कर रहे हैं, दवाइयाँ सब अस्पताल से मिल रही हैं, सबको सब मिल रही है। मेरे पास एक ही विकल्प रहता है, अगर मेरे पास प्रेशर बनाएंगे अननेसेसरी प्रेशर बनाने की कोशिश करी की जाएगी, लोग आगे बदतमीजी करेंगे इसमें जो ना, तो मेरे पास सीधा सिंपल है भैया, मेरे पास जितने स्पेस अवेलेबल है उतने में मरीज रखूंगा, बाकी चले जाए सबको रेफर कर देता हूँ। बताइए आप मुझे बताइए क्या विकल्प। आपने कहा कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिल रही है, इसको नकार नहीं सकते अपन कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं मिल रही, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो दिक्कतें आ रही है वो आईसीयू पे लेकर आ रही है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये भी आपने बताया, हम इस बात से भी आपसे की बात से सहमत हैं, लेकिन इलाज तो जिला चिकित्सालय स्तर पर सब सबका ही करना पड़ेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ, इस चीज़ को कोई नहीं अप्रिशिएट किया जा रहा है कि इलाज सबको मिल रहा है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि हमारी क्षमता सिर्फ 35 उसकी थी, और हमने 110 150 125 जितने भी आए उसमें उस वार्ड में उसमें सबको उपचार प्रदान किया। बिल्कुल, लेकिन अगर 125-150 आदमी मेरे से ये कहे कि ये 35 पलंगों पे आप जो है ना ऐसे मतलब जो लगा के हम सबको एक एक पलंग चाहिए गाइडलाइन के हिसाब से चाहिए वो चाहिए, तो वो संभव है क्या? जो एवी लेवल होगा वही तो मैं भी यही कह रहा हूँ। बिल्कुल, अगर बेड की कमी है और उस पर अगर एक बेड पे तीन व्यक्ति भी हमने अगर रख रखे हैं तो इलाज तो दे रहे हैं ना। ना ये मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट हम करवाना है, बिल्कुल सीरियस मरीज है उसको भी दे रहे हैं, ठीक है ना, ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, लेकिन अगर टेक्निकल फॉल्ट अगर हो गया उसमें तो थोड़ा धैर्य तो रखें हम उसको कर रहा है। आपका ये कहना है कि उसे सुधरवाया जा रहा है? बिल्कुल कर, बिल्कुल उसमें लगाया हुआ तो आ गया कि नहीं, मिस्त्री लगाया वो लगाया हुआ है वो जो है, लेकिन वो चीज क्या इतनी आसान है क्या अपने हाथ में है कि मैं उसमें कर दूं? भाई वो अपन भी जानते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है और उसको टेक्निकल व्यक्ति ही सही करेगा, एक डॉक्टर तो सही नहीं कर सकता, बेहतर बात है, लेकिन समय लग रहा है, ये थोड़ी सा वो है उसका भी वो है कि टेक्निकल कल रात में खराब हुआ है, अभी अपन ने आज सुबह से उसी कार्रवाई उसी चल रही है, मतलब जो है